नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा श्रम मंत्री के आवास पर जो प्रदर्शन किया गया है 23 जनवरी 2019 को अपनी मांगों के संदर्भ में, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में अपडेट जानने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो डिटेल अपडेट आपको पता चल सके। तो यहाँ पर जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि EPS 95 पेंशनरों का श्रम मंत्री के आवास पर प्रदर्शन, यहाँ पर आगे बताया गया है 23 जनवरी EPS 95 के बुजुर्ग पेंशनर ने बुधवार को हजारों की तादाद में श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार के दिल्ली और बरेली स्थित आवास के सामने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया EPS 95 पेंशनर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जनवरी को यह आंदोलन और सामूहिक अनशन देश भर के सभी जिलों में होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर सरकार हमें जीने लायक पेंशन नहीं दे सकती तो राष्ट्रपति हमें सम्मान से मरने की अनुमति दे। 300 जिलों में EPS 95 पेंशनर्स ने यह आंदोलन किया। पिछले साल 4 से लेकर 7 दिसंबर तक आंदोलन के दौरान श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स को इतनी महंगाई के जमाने में मात्र 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की पेंशन मिलती है। इतने कम पैसे में कोई महीना भर कैसे अपना गुजारा कर सकता है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया, लाखों पेंशन धारकों ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए पत्र भी भेजा है। EPF पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे लोग 60 से 80 वर्ष की उम्र के हैं। इनमें से बहुत से पेंशन धारकों ने अपने खून से हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। आगे यहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी ने बताया है कि आज भी करीब 17 लाख पेंशन धारकों को 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। करीब 60 लाख पेंशनर्स में से 40 लाख लोगों को 1500 रुपए महीने से भी कम पेंशन मिल रही है। पेंशन धारक 2013 की कोशियार समिति की सिफारिशों के अनुसार 7500 रुपए मासिक पेंशन, उस पर 5000 रुपए महंगाई भत्ते और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उच्चतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी मांगों के चलते EPS 95 पेंशन धारकों ने श्रम मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने इसके बारे में जाना। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।